हेलो एवरीवन, ये चार्ट है मधुमिता रॉय जी का जो असम से है। वेलकम असम। हमने बताया था हमें उत्तर साइड के सारे जगह बहुत प्यारे लगते हैं और ये तो बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। ओके कभी मौका मिले तो हम ज़रूर आएंगे। तो मधुमिता जी का ये चार्ट है और ये चार्ट बहुत अच्छा है। देखिए आप लोग, पहली नज़र में आपने देख लिया होगा कि गुरु उच्च के हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे लोग ज्ञान प्रेमी होते हैं, ज्ञान वाले जिनके पास नॉलेज होता है उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं। ठीक है, अब चलिए आप पहले घर में आते हैं। पहले घर में एक नंबर लिखा है एनर्जेटिक होते हैं ये लोग, मांगलिक होते हैं, सॉरी मंगल की राशि है, इस वजह से ये लोग एनर्जेटिक होते हैं। साथ में थोड़ा सा एग्रेशन भी इनके अंदर होता है, लेकिन ये लोग एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, चीज़ों में नई नई चीज़ें इनके दिमाग में आती रहती है। ठीक है, ये इनका एक बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी चीज़ होती है, इनके बहुत अच्छा पार्ट हो गया ये, और यहाँ पर किसी की दृष्टि नहीं है। चलिए अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में शनि और राहु दोनों हैं। शनि और राहु की एक दूसरे से पट्टी है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो सेनापति हैं ये शनि के। ठीक है, लेकिन ये अगर जगह की बात करें तो यहाँ से क्योंकि वाणी देखी जाती है, वाणी, ठीक है, वाणी देखी जाती है, फिर फैमिली और पैसा। तो अगर वाणी की बात करें तो राहु इस जगह के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और साथ में शनि है, तो ये लोग क्या करते हैं, सच बोलने की आदत सी होती है इनको। ठीक है, इन द सेंस ऐसा कह सकते हो इनको नहीं पसंद आएगा, झूठ नहीं पसंद आएगा, किसी की कोई बुरा, कोई इनके सामने कुछ गलत होगा तो इनको पसंद नहीं आएगा, इस केस में ये लोग बोल देंगे। ठीक है, और राहु क्या होता है ना, बातों को काट के बोलते हैं, और शनि क्या होता है, सच बोलते हैं, मुँह पे बोलते हैं। तो इस केस में ना ये भाव आपका थोड़ा बात करने के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कमज़ोर है, आपको इस चीज़ का सही करना चाहिए। ठीक है, जब भी कभी बोलें आप तो ये याद रखें कि आपको क्या बोलना है, और ये भी याद रखें कि आपको ये कौन बुलवा रहा है, शनि और राहु करवा रहे हैं। दुनिया में गलत चीज़ों का रिस्पॉन्स देना तुरंत ज़रूरी नहीं होता है, दिमाग का यूज करके सही टाइम पर सही तरीके से करेंगे ना तो वो फिर कभी होगा नहीं लाइफ में। चलिए ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सेकंड हाउस के लिए आप समझ गए होंगे बाबू, ये है बहुत अच्छा चार्ट बुढ़िया। आप देखिए गुरु का जो ये कंडीशन है ना, ये आपके लाइफ में आपको बहुत सहयोग देगा, आपको एक बार जरूर टीचिंग भी करवा देगा। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा चार्ट, गुड, वेरी गुड। अब इस घर की बात करें, अगर पैसे की बात करें तो राहु कंटिन्यूटी नहीं रहने देते हैं, मतलब आप खर्चीले स्वभाव के हो जाएंगे, लेकिन शनि जो है ठीक है, शनि आएगा इसमें, स्टे करता रहेगा, साथ में आप खर्चे भी करोगे। अगर परिवार की बात करें तो परिवार में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनने के चांसेस राहु कम कर देते हैं। ठीक है, राहु को नहीं पसंद तो आपका परिवार से कनेक्शन थोड़ा ख़राब दिखा रहा है ये। उसके बाद अगर दूसरे घर की बात करें, सॉरी तीसरे घर की बात करें, तो तीन नंबर लिखा हुआ है। तीन नंबर जो होता है ये बुध का होता है। ठीक है, तीन नंबर जो होता है वो बुध का होता है, बुध दिख रहा है आपको। ठीक है, तो बुध का होता है, और यहाँ पे क्या कोई और देख रहा है ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, तो मंगल की दृष्टि है। ठीक है, मंगल की दृष्टि है, और ये ब्रेवरी का घर है। किसका घर है? ब्रेवरी का। यहाँ से देखा जाता है कि आप ब्रेव कितने हैं, और मंगल बहुत ब्रेव होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये लड़की हैं, लेकिन फिर भी इनके में क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत ब्रेव है। ठीक है, दूसरी चीज़ की ये दिखा रहा है कि ये अगेंस्ट जाती हैं गलतियों के। तीसरी चीज़ दिखा रहा है कि ये बहुत नॉलेजेबल हैं, चीज़ों को सोचती समझती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, आपके चार्ट को आगे आगे पढ़ रहे हैं और पता चल रहा है। ठीक है, फिर आते हैं आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में आपके ऑब्वियसली कि उच्च का गुरु है, यानी आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं और धार्मिक भी हैं। ठीक है, और इन पे अब शनि की दृष्टि आई हुई है, तीसरी दृष्टि आई हुई। इस केस में मम्मी को आपको शायद पॉसिबल होगा, आप चेक करिएगा, गुरु थोड़ा कम कर देता है चीज़ों को, निगेटिविटी को, लेकिन फिर भी शायद उनको देख लीजिए आप एक बार, उनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत आपको उनको पता चल जाएगी। साथ में ही देखेंगे तो कोई ना कोई एक इनकी एक आदत होगी जो अच्छी नहीं होगी, आपकी मम्मी की कोई एक ऐसी आदत होगी जो अच्छी नहीं होगी, आपको नहीं अच्छी लग रही होगी। ठीक है, स्पेशली आपकी ही बात कर रहे हैं, वो अच्छी हो या ना हो आपके लिए स्पेशली अच्छी नहीं होगी। फिर यहाँ से क्योंकि राहु की एक दृष्टि बन रही है, राहु की दृष्टि बन रही है, तो इस केस में क्या होता है, इनसे किसी तरीके से आप अलग हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप दूर रहेंगे या कुछ भी, आप मिस कर रहे हैं। कुल मिला के ये मिस करने की चीज़ें दिखाता है कि आप इन चीज़ को मिस कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल ये जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है गुरु की वजह से, आपको घर बार सब चीज़ मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, घर बार सब बनवा लोगे आप। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस जगह की बात करें तो यहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा प्यार लेके आता ही आता है आपके लाइफ में, प्यार लेके आएगा ही आएगा, प्लस बुध की दृष्टि है, क्योंकि बचपना डालता है इस जगह पे, तो डेफिनेटली प्यार आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और ये कनेक्शन भी बन रहे हैं आपके सातवें घर के, आपके कर्म से, और
लव हाउस के आपके सॉरी सुख सुख का कनेक्शन बन जा रहा है सही यहाँ से यहाँ से, तो इसको लेके थोड़ा सतर्क रहेंगे। ओवरऑल ये बहुत एक अच्छा चार्ट यहाँ से भी जनरेट हो रहा है, आपके लाइफ में एक लव आ रहा है, ठीक है, प्यार आ रहा है आपके, दिख रहा है इसमें क्लियरली, ठीक है, एक प्यार आएगा ही आपके में। और आपके जो शादी हो जाएगा जब, तो उसके बाद पहला जो बच्चा होगा वो उसके भी लड़की होने के भी चांसेस हैं, ठीक है, पहला बच्चा लड़की होने के चांसेस हैं। और ये भी एक अच्छा संकेत देता है, लक्ष्मी है ये, ठीक है, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं इस घर में कोई और देख रहा है कि नहीं। एक चीज़ और, यहाँ पे आपके मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। आपके मम्मी की मम्मी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उनकी तबीयत पे विशेष कर से, ठीक है। फिर यहाँ से आ गए हम लोग चंद्रमा पे, चंद्रमा को कोई और देख रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। चंद्रमा को कोई क्रूर ग्रह देख रहा है? नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, ठीक है, कोई नहीं देख रहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। यानी कि ठीक है, लव भी आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं छठे घर में, छठे घर में छठे नंबर की ही राशि है, बहुत अच्छी बात है। छठा नंबर यानी बुध, ठीक है, और बुध लाभ में आके बैठे हुए हैं, ठीक है, क्या है, लाभ में आके बैठे हुए। इनकी जो दूसरी राशि है जो आपकी ब्रेवरी है वो भी लाभ में आके बैठे हुए, दोनों ही केस में अच्छा दिखा रहा है ये। चलिए अब यहाँ को देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखा रही है। यहाँ गुरु की दृष्टि है इस पर, उसके अलावा किसी की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, सूर्य आँखों की दिक्कत देता है, ठीक है, आँखों की दिक्कत देते हैं सूर्य, प्लस राहु जो है ये सडन चीज़ों को बदल देते हैं, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी स्टार्ट करने के कारक होते हैं राहु, ठीक है, और कोई भी अनैच्छिक क्रिया जितनी होती है वो राहु की वजह से होती है, अनैच्छिक क्रिया राहु हैंडल करता है, ठीक है। तो यहाँ का आपका दिख गया, प्लस एक्सीडेंट के भाग को भी देखते हैं इसको, यहाँ से एक्सीडेंट देखते हैं, रोग देखते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो सूर्य के होने की वजह से बाकी कोई तो दिक्कत नहीं है, बट आँखों को लेकर थोड़ी दिक्कत आप फेस कर सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ हाउस की बात करें, जिसमें सेवेंथ राशि यानी शुक्र की ही राशि है, जो शुक्र के आके आपके कर्म भाव में बैठे हैं, ठीक है, और ओवरऑल ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा चार्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या किसी और की दृष्टि पड़ रही है, नहीं नहीं पड़ रही है। तो एक नंबर मंगल हो गया और ये शुक्र हो गया, तो ऐसा कनेक्शन देखा जाए तो बहुत अच्छा, शुक्र का मंगल से तो बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, मतलब बुरा इन द सेंस कि इस केस में बुरा नहीं है, चलेगा। आपका मेन चीज़ क्या होता है ना शादी वाले केस में, ये भी देखा बहुत ज़रूरी होता है कि इस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, या कोई यहाँ पर प्लैनेट है कि नहीं है। तो इस केस में क्योंकि कोई दृष्टि नहीं पड़ रहा, कोई प्लैनेट नहीं है, तो आप शादी अच्छा निकाल ले जाओगे। और इसको अगर क्लियर करना है तो हम लोग नौमास में चलेंगे, नौमास में देखते हैं आपके सुख भाव को, बेसिकली सुख भाव देखना ही चाहिए, ठीक है। तो सुख भाव, शुक्र मंगल, कामिक्षा बढ़ रही है, ठीक है, और शनि केतु लाभ में, थोड़ा सा दुखी रहेंगे आप शादी के बाद, ठीक है, लाभ भाव में आ रहा तो आपको लगेगा कुछ कमी सा फील होगा इस शादी में, कमी सा, क्योंकि आपको ये गेन देता है ना, देखते हैं आप शादी से फ़ायदा, ठीक है, तो वहाँ दिखा रही है, ठीक है। उसके अलावा इस घर को देखें, किसी की दृष्टि है क्या, शनि मंगल, ये तो अच्छी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा ठीक है, चलिए सुख भाव भी चल रहा है, यानी कि आपकी शादी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शादी में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर हम आए यहाँ पे इस घर पे आठवें घर में शनि और राहु दोनों देख रहे हैं, प्लस गुरु की दृष्टि है। देखिए इस केस में क्या होगा, राहु और गुरु दोनों देख रहे हैं, श्वसन से रिलेटेड इशू और गैस से रिलेटेड इशू तो आपको मिलेगा, ठीक है, गैस रिलेटेड इशू मिलेगा। कई बार होता है ना, बहुत गैस जब ज़्यादा बन जाती है तो सफोकेट करता है आदमी, तो ये आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गुरु की पांचवी दृष्टि भी आ रही है ना। हालांकि पॉजिटिव चार्ज करते हैं, ये मंगल की राशि है, ठीक है, मंगल की राशि है, शुक्र राहु देख रहे हैं यहाँ पे और शनि भी देख रहे हैं, तो मंगल यानी ब्लड रिलेटेड इशू देने के शनि की वजह से कारक हो जाते हैं, तो ब्लड से रिलेटेड इशू जो होता है उससे बच के रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल ये अच्छा चार्ट जा रहा है अभी तक में, ठीक है, और केतु के होने की वजह से तो खैर कोई बात नहीं, लड़कियों में यहाँ केतु होता है तो एक ऑपरेशन होता ही है, ऑपरेशन इन द सेंस ये तो बच्चेदानी की जगह नहीं है, तो बच्चे के लिए बेबी के लिए भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, ये भी कोई बड़ी इशू नहीं है, एक ऑपरेशन दिखा रहा है आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये होता है आपका फ्यूचर का, आपका
भाग्य का, तो लग्न के स्वामी ही आके आपके भाग्य में बस गए हैं, तो इसके लिए आप भाग्यवान कहे जाएंगे, भाग्यवान ही हो गए, ठीक है, भाग्यशाली हो गए। इसके अलावा इस पे किसी की दृष्टि है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं, तो नहीं है दृष्टि किसी की। तो ओवरऑल यहाँ पे गुरु की जो कि खुद उच्च के होके बैठे हैं और मंगल जो कि लग्नेश है, तो आप भाग्यशाली हो गए हैं, ठीक है। और ये तो अच्छी बात हो गई क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, ठीक है, आपके चार्ट के हिसाब से। अब देखा जाए शुक्र दसवें नंबर शनि की राशि में, ये इनका मित्र राशि है, तो ये भी ठीक है। अब आपके पापा जो है लग्जरियस लाइफ की कामना करने वाले तथा शुक्र यानी हैंडसम होने वाले हैं। आपके पापा जो है वो अच्छे दिखने में अच्छे होंगे, लग्जरियस लाइफ की कामना करते होंगे, ठीक है। और प्लस गुरु की भी दृष्टि है तो धार्मिक भी है, ठीक है, और नॉलेजेबल भी बन जाएंगे क्योंकि उच्च का है ना गुरु, तो ये नॉलेज लेके आएगा, जैसे आपकी मम्मी भी लेके आए, मम्मी में बहुत लेके आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और दृष्टि डाल रहा, राहु देख रहा हूँ, तो पापा से आपके उतनी अच्छे कनेक्शन नहीं दिखा रहा, ठीक है, पापा से आपके बहुत अच्छे कनेक्शन नहीं दिखा रहा। इसके अलावा इस घर में आएंगे तो 11 नंबर बुध, 11 नंबर यानी आपका शनि की राशि होगा, ये कमाई का घर है, यहाँ से देखा जाता है कि आप कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। तो 11 नंबर है और बुध 11 नंबर यानी शनि है, तो स्लो देंगे, ऑब्वियसली स्ट्रगल रहता है कमाने में, तो ये वही दिखा रहे हैं। और ये आके बैठे भी हुए हैं आपके यहाँ से, पैसा जहाँ के जाके संचित होता है, ठीक है, सेव्ड मनी में, तो थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ठीक है, मतलब जो आ रहा है वो जा रहा है, जो आ रहा है वो जा रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, आना जाना लगा है। लेकिन साथ में ये है क्या ना कि ये स्ट्रगल जरूर करवाता है शनि, तो आपको कमाई से संतुष्टि जो होता है वो लेट आता है। प्लस यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं, बुध क्या होता है, बचपना रिप्रेजेंट करते हैं, अनमैच्योरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी दिखा रहा कि आप उससे बहुत सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे, ठीक है। 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस में सूर्य एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के मामले में ये करते हैं, आपको विदेश घुमा देता है, ठीक है, विदेश घुमा देता है यहाँ पे। और उसके बाद से ये गुरु की राशि है जो कि आपके उच्च की होकर बैठी है, तो अच्छा फल देने के लिए कारक होती है। गुरु का यहाँ कनेक्शन थोड़ा अच्छा नहीं होता है बाबू, ये आपको ना थोड़ा सा बहुत कामिक्षा को उठाता है, ठीक है, कामिक्षा को उठाता है, तो आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर सचेत रहेंगे। और यहाँ परिवर्तन भी है देख लीजिए, ठीक है, और फिर 5th हाउस का कनेक्शन भी बन जा रहा है, ठीक है, और हमको दिक्कत हो जो फिर हमें बताइएगा, ठीक है। ओवरऑल ये चार्ट एक अच्छा चार्ट है और आपके लाइफ में अच्छे आने वाले हैं दिन, और आप एक्टिव लोगों में से हो, आप काम करके आगे निकालोगे भी, ठीक है। मंगल की चौथी दृष्टि भी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हॉस्पिटल का घर भी होता है, मंगल के यहाँ देखने से ये हॉस्पिटल के घर को एक्टिव कर सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। हाँ, विदेश से कनेक्शन भी ये दिखाता है, तो इस केस में क्या होता है ना सूर्य के यहाँ होने से कि आपको कॉल पर किसी से प्यार हो जाएगा, कॉल पर, ठीक है, किसी से कॉल पे ज़्यादा बातें करेंगे आप और कॉल पे से किसी से प्यार होगा, ठीक है। अब क्योंकि 12वां नंबर क्योंकि सेक्स घर का भी रिप्रेजेंट करता है और यहाँ के सुख में बैठे हैं, तो आप ऑन कॉल भी ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कह रहा है, और आप करेंगे भी। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। किसी भी तरीके का कोई इशू हो आपको लगे तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हमको मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच।